कैमरी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोकशी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से हथियार और उपकरण बरामद। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक गोकशी अभियुक्त इश्तेकर को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक देशी तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, गोकशी के उपकरण और दो मोटरसाइकिलें बरामद कीं। मुखबिर की सूचना पर थाना कैमरी के थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान पुलिस बल के साथ ग्राम कमुआ नगला पुल के पास दबिश दी। जब पुलिस टीम ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में इश्तेकर के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया। वहीं दूसरा आरोपी नाजिम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य दो आरोपी मोनिश और सद्दाम अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कैमरी में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे गोवंशीय मांस को गोस मोहम्मद को बेचते थे। इस घटना से संबंधित अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। फुकन साहब, ये एक मुठभेड़ हुई है नगर कोतवाली पुलिस की, आप खुद वहां पर पहुंचे हैं, पूरा प्रकरण समझना चाहेंगे। देखिए, थाना अध्यक्ष केंद्रीय को एक सूचना मिली कमुआ नगला के पास कुछ व्यक्ति गोवंशी पशुओं को लेकर के वध करने को लेकर जा रहे। इस सूचना पर उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा अपेक्षा की गई फायरिंग में एक को गोली लगी, उसको बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त दो है, एक कार और नाजिम, जिसके साथ साथ दो अभियुक्त मौके से फरार हो गए। उनके पास से एक कदम बछड़ा, जिसके साथ साथ दो मोटरसाइकिल, दो अदर तमंचे और बंद करने की सामग्री बरामद हुई है। जो फरार अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है। रामपुर उत्तर प्रदेश से राहत अली की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।